नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सही पढ़ा आपने, 7 दिन में पाएं पथरी से मुक्ति। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जिसको आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और मात्र 7 दिनों में अपनी पथरी से मुक्ति पा सकते हैं। आपने इस तरीके के बारे में बहुत बार सुना होगा, आपने दोस्तों से सुना होगा, फ्रेंड से सुना होगा, लेकिन कभी आजमाया नहीं होगा। आज मैं बताने वाला हूं उसको आप घर पे आजमाएं और पथरी से मुक्ति पाएं। तो क्या करना है आपको? सबसे पहला चीज जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं वो नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है, उनके फ्रेंड्स उनको बताते हैं कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बियर पीने से आपकी यूरिन की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है और शायद इसीलिए लोग बोलते हैं कि यूरिन बढ़ने से पथरी निकल सकती है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए यानी यूरिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको बियर लेने की जरूरत नहीं है। खासतौर पर तब जब आप बियर न पीते हों और इलाज के नाम पर आप बियर पिए, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, एक आसान तरीका, एक आसान उपाय जिससे आपकी यूरिन की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है और आपकी पथरियाँ महीन चूरे के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती हैं। वो उपाय बहुत ही आसान है, आपके घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप मार्केट में जाके किसी भी पंसारी वाले की दुकान से जाके इसको आसानी से खरीद के ला सकते हैं। इस उपाय का नाम है कुल्थी की दाल। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल, सरल और आसान उपाय, कुल्थी की दाल। दोस्तों अगर आपको पथरी की शिकायत है और आप पथरी से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पानी की मात्रा बढ़ाएं। जैसा कि आपको अच्छे से पता है, ज़्यादा पानी पीने से हेल्प मिलती है स्टोन को रिमूव करने में, और पथरी निकल जाने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में यानी 12 से 15 ग्लास पानी पीते रहें ताकि पथरी दोबारा जनरेट न हो। लेकिन इस दौरान एक आसान घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, वो है कुल्थी की दाल। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो सबसे पहले आप इस कुल्थी की दाल का 3 तरह से प्रयोग करें। नंबर 1, आप जो भी औषधियाँ खा रहे हैं, कोई हर्बल औषधि या कोई भी ऐसी दवा खा रहे हैं, तो आप सुबह कुल्थी की दाल को लें या तो उसको रात में पानी में भिगो लें और सुबह उसको पका लें, और पकाने के बाद दाल को छान के निकाल लें और उस जो दाल का पानी है यानी कुल्थी का सूप, उससे दवा का सेवन करें। पथरी को निकालने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, आयुर्वेद बेस्ड कोई भी अच्छी दवा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुल्थी के पानी के साथ लेंगे तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। नंबर 2, आप ये कर सकते हैं कि कुल्थी का आप दाल अपने सामान्य दाल की जगह रिप्लेस कर लें, यानी अगर आप मूंग की या आप तुअर दाल खाते हैं उसकी जगह आप कुछ दिनों के लिए कुल्थी की दाल का ही सेवन करें। यानी बहुत से देश के हिस्सों में, राजस्थान, बिहार ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुल्थी की दाल को सामान्य दाल की तरह खाया जाता है, तो आप कुछ दिनों के लिए इस दाल को अपने भोजन का हिस्सा बना लें, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसमें मूत्रल गुण होते हैं और ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है और पथरी को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसमें मूत्रल गुण होते हैं तो पेशाब को बढ़ाने से लेकर शरीर को बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो अगर डाइट में भी आप इसको शामिल करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा तरीका, बहुत से लोग जिसका दाल सेवन नहीं कर पाते हैं या सूप नहीं ले पाते हैं, उनको हम कुल्थी की दाल को चूर्ण के रूप में सेवन करने का भी सलाह देते हैं जिससे अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, अगर पथरी आपके छोटे आकार की है, 2 mm, 3 mm, 4 mm तक की पथरी है, तो आप इस आसान उपाय से बिना किसी अन्य उपचार के आसानी से घर बैठे पथरी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर पथरी ज़्यादा बड़ी है, उसका आकार 8 mm, 10 mm, 15 mm पहुँच चुका है, तो वहाँ सिर्फ इस उपाय से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको कुछ औषधियों का सेवन करना होगा। अगर आप या आपके परिचित में किसी को पथरी की शिकायत है, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके उसका सही से उपचार ले सकते हैं या घर बैठे औषधियों का सेवन कैसे करें, किस तरह से पथरी से मुक्ति पाएं, वो तरीका सीख सकते हैं। अगर पथरी आपको बार बार बनती है, पथरी की सर्जरी कई बार आप करा चुके हैं या कई बार आप औषधियों से पथरी निकाल चुके हैं, पथरी फिर भी बन रही है, तो इसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जो रीजनरेशन पथरी का होता है या रिकरिंग पथरी है उसको कैसे मुक्ति पाएं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पथरी से रिलेटेड कोई और सी समस्या या किसी भी स्वास्थ्य समस्या से आप ग्रसित हैं और इसका एक वीडियो या जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, मैं आपको उसके लिए वीडियो देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने लोगों तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।